नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिशर। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये सुन के आपको ये लगा कि महिलाओं की बात जो है वो की जाएगी। आज हमारे साथ उपदेश अंडोत्रा जी हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर से। तो महिलाओं के सम्मान की जो है वो बात की जाएगी। जैसे कि आपको हम ये बता दें, दो दिन पहले ही इन्होंने एक प्रोटेस्ट जो है यहाँ कठुआ में किया है महिला सम्मान के लिए। उनसे बात करते हैं कि वो क्या घटना थी जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया और किसके कहने पे किया। जी नमस्कार। नमस्कार कृष्ण जी। उपदेश जी, आप हमें ये बताइए कि आपने दो दिन पहले जो प्रोटेस्ट किया है, क्यों किया प्रोटेस्ट और किस क्या वजह रही वो प्रोटेस्ट करने की? त्रिशल जी, आप सब भी जानते हैं कि अभी 8 मार्च 3-4 दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था पूरे विश्व में, भारत क्या पूरे विश्व में मनाया जा रहा था, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आजकल कितना महिला सशक्तिकरण हो गया, नारी के सम्मान में तरह तरह के सामाजिक संस्थाएं हों या राजनीतिक दल हों, वो तरह तरह के समारोह वगैरह आयोजन करते हैं उनका। तो जो आउटस्टैंडिंग हमारी महिलाएं बहनें होती हैं उनको सम्मानित करते हैं, तो बच्चियों को थोड़ा बढ़ावा देते हैं, जो जैसे वो बच्ची पढ़ने में लायक है तो उसको उत्साहवर्धन के लिए उसको सम्मानित करेंगे। तो यही वजह होती है कि साल में एक दिन ऐसा होता है कि जो महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तो 8 मार्च को हर वर्ष क्या होता है कि संसद भवन हो चाहे विधान जो भी हो, उस दिन महिला बहनें जो है, वो चाहे वो सांसद है चाहे वो विधायक है, वही संसद में अपने मतलब जो भी है अपने एड्रेस करती हैं, संबोधन करती हैं। तो इतना सम्मान मतलब उनको संसद भवन में दिया जाता है। तो हुआ क्या कि जैसे 8 मार्च को अभी हरियाणा में वहां पर तो भाजपा की सरकार है, बट उससे पूर्व जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा कि वो एक भाजपा के विरोध में विरोध प्रदर्शन रैली निकाल रहे थे। तो उस पर क्या कि ट्रैक्टर रैली थी, तो ट्रैक्टर पे हुड्डा जी बैठे थे, उनके साथ जितने भी उनके विधायक दल जो भी है विधायक थे वो भी बैठे हुए थे। बट बड़े अफसोस मुझे तब लगा, मुझे क्या हम भाजपा की महिला भाजपा क्या मैं कहती समाज की हर महिला को ये बात बुरी लगी होगी कि उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक महिला विधायक जो उस ट्रैक्टर को मतलब रोड पे वो ट्रैक्टर बैठे हुए थे सीटों पे बैठे हुए थे, बट वो महिला उनकी विधायक नेता महिला नेता वो ट्रैक्टर को अपने हाथों से खींच रही थी। आप ही बताओ कितनी मतलब शर्मनाक बात थी, कितनी अपमानजनक हमें ये चीज लगी कि एक तरफ पूरा देश जो महिलाओं के सम्मान में इतने इतने बड़े कार्यक्रम आयोजन कर रहा है और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद ऊपर बैठे हैं, तो और वो एक महिला को मैम ठीक है किसी किसी ने अपने जे भी विचार प्रकट किए कि वो जो अपनी विधायिका थी महिला कांग्रेस की वो हो सकता है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो, पर नहीं, पर जो ट्रैक्टर पे बैठे थे उनको तो उसको सम्मान देना चाहिए था ना, उसको ट्रैक्टर पे बिठाते खुद कोई जो अपने मेल मेंबर है उनको जो भी है वो पुरुष विधायक था जो नेता थे वो खींचे ट्रैक्टर को, तो शायद किसी महिला को बुरा नहीं लगता। ये चीज हर महिला को, मैं ये नहीं कहती भाजपा महिला मोर्चा को ही बुरी लगी, मुझे तो लगता है समाज की हर महिला को ये बात बुरी लगी होगी जिसने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज देखी होगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक नारी को आप इसने ऐसा अपमान, एक नारी के कंधे पे रख के आपने, ये मानती हूँ कि वो इस वजह से क्या उनकी न्यूज बहुत हाईलाइट हो गई, ऐसे नहीं भी होती, पर जब वो विधायक ने ट्रैक्टर खींचा तो वो इतना पब्लिसिटी मिली इस न्यूज को, पर ये चीज गलत है। एक नारी का सहारा लेकर आप चाहे उसका अपमान ही क्यों ना हो रहा तो आप खुद को हाईलाइट करते हो, ये चीज गलत है। हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की पार्टी की ओर से हरियाणा के, पूरी महिलाओं ने अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनको ये संदेश पहुंचाया कि ऐसा नहीं। क्या मतलब किसके कहने पे ये जो है प्रोटेस्ट किए गए? जी हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके कहने पे, तो उन्होंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको संदेश भेजा, फिर उनके कहने पे हर जिला स्तर पे हुआ जी। जिला स्तर तो कठुआ जिला का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ भाजपा महिला, तो जहाँ का नेतृत्व मैं कर रही थी उनके आदरणीय अध्यक्ष श्री संता डोगरा जी के निर्देश अनुसार। अगर मतलब कि आपको मैसेज दिल्ली से नहीं आता तो शायद आपको इस न्यूज का पता नहीं लगता। नहीं, वो वीडियो हमने देखा था
क्योंकि आजकल आपको पता हर हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में ऐसी न्यूज तो एक सेकंड में वायरल होती है, तो वो तो हमने देखा ही था। बट फिर हमें मैसेज है कि इसको विरोध प्रदर्शन में हर जिला स्तर पे होना चाहिए। भाजपा ने इसको एक दूसरे एंगल से लिया, शायद कांग्रेस जो थी वो ये बताना चाहती थी कि महिलाएं जो हैं वो भी अपना 8 मार्च को, अगर आदमी लोग जो है ट्रैक्टर को खींच सकते हैं तो महिलाएं भी जो है 8 मार्च को अपना शक्ति जो है वो दिखा सकती थी। एक एंगल ये भी हो सकता था अगर इसको दूसरा एंगल दे दिया गया। देखो मैंने बोला ना अपना अपना नजरिया है, हमारे मैंने अपना नजरिया बताया, मैंने बोला ये जरूरी नहीं भाजपा की महिला मोर्चा को उनके नजरिए में अपमानजनक को समाज की किसी भी वर्ग को, किसी भी वर्ग को, क्योंकि हमारे प्रदर्शन में वो भाजपा महिला मोर्चा थी उसमें सामाजिक संस्था की महिलाएं भी थी, वो भी थी, वो भी हमारे प्रदर्शन में शामिल थी, वो तो भाजपा की नहीं थी। मतलब किसी भी महिला को भी अपने अपनी सोच पे निर्भर करता है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खट्टर साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है हुड्डा साहब के। हाँ वो भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जब खट्टर साहब जो वर्तमान आदरणीय मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के भाजपा की पार्टी से हैं, तो बड़े भावुक से हो गए थे वो जब विधानसभा में बोल रहे थे कि जब मैंने रो पड़े थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मतलब इतना बड़ा दिन हो या नहीं, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं भी होता तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद ही अच्छा लगता। आप बताओ आप गाड़ी भी बैठे हो, आपके घर की महिला कोई भी हो, चाहे वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी कोई भी हो, वो ऐसा खींचो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। पब्लिसिटी चाहिए बट इतना भी पब्लिसिटी के लिए इतना भी नीचे मत गिरो ना, ये चीज है। हमेशा नारा यही दिया गया महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, किस तरह का सम्मान? जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे शिविर लगते हैं और शिविर में जो है हम लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरह से सम्मान करना है, किस तरह से हर एक चीज करनी है, तो महिलाओं के लिए आपने किस तरह का सम्मान? तो एक आपने बता दिया कि उनको हम जो पढ़ने वाली बच्चियां होती हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हौसला देते हैं, तो क्या समझती हैं आपकी महिलाओं को और किस तरह का सम्मान की जरूरत है? हाँ आज के दौर में देखो त्रिशल जी, मैं थोड़ी व्यक्तिगत राय भी रखना चाहूंगी क्योंकि आप तो जानते हो कि आपने मेरा भी 25 साल से काम देखा है, मैं सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रही हूँ। तो मैं कहती हूँ जैसे आज के दौर में, जैसे अब जे आप किसी गांव में पंचायत में चले जाएं जे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं, जब 15 अगस्त हो या स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, मेरे हिसाब से वहां की जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी बच्ची हो, अरे उससे तिरंगा फहराओ ना, उसको मुख्य अतिथि बनाओ, क्या होगा कि उसको देख के जो बाकी बच्चे होंगे उस गांव के उनका उत्साह बढ़ेगा। देखो ये पढ़ी लिखी थी ना इसलिए इसको कितना मान सम्मान दिए, इसको एज ए चीफ गेस्ट वहां पे ट्रीट किया गया तो कितनी अच्छी बात है। अरे उस वहां पे जो बहन है उसको जैसे सरपंच, एक दिन के लिए उसको सरपंच बनाया जाए, पूरे उसको अधिकार सरपंच के, आपने फिल्म भी देखी होगी एक दिन का मुख्यमंत्री जो भी नायक है ना, तो उस वो फिल्म क्या थी, एक संदेश था ना समाज के लिए कि समाज का एक युवा था वो, है ना, वो समाज की बुराइयों के प्रति लड़ रहा था, तो उसको एक दिन का मुख्यमंत्री जो भी बनाया तो उसने एक दिन में कितने कार्य मतलब किए, एक संदेश होते हैं ये सारे, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे बच्चों को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों का सम्मान होगा, जो कि आज से 20-25 उससे भी पीछे चल जाओ तो बच्चों मतलब घर में बेटी पैदा होती तो क्या हालत होती है, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ अपने समाज को, बट आज वो चीज नहीं। आप त्रिशल जी देखते हो किसी के घर में बेटी होती है, बेटी अभी मुझे लगता है 1 घंटे की नहीं होती, उसका पिता है वो सोशल मीडिया पे उसकी बच्ची की फोटो वायरल करता है, कितनी बड़ी बात है, ये महिला सशक्तिकरण तो है और क्या है आज, मतलब बच्चियों को कितना वही बच्ची तो कल को नारी बनेगी ना। अच्छा अच्छा उपदेश जी, जिस तरह की खट्टर जी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 8 मार्च को जो ये जो कांग्रेस के जो हुड्डा साहब है उन्होंने जो ये काम किया कि वहां पे ट्रैक्टर लिए या वो किया उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, हुड्डा साहब का एक बयान और भी आया था कि कश्मीर से लड़कियों को लाया जाएगा और यहां पे बहुएं बनाई जाएगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये वाला बयान जो उन्होंने दिया था उसमें महिलाओं का सम्मान नहीं था, वहां पे महिलाओं की डिग्निटी जो है वो हर्ट नहीं हुई? पहली बात तो ये त्रिशल जी के ये बयान के खट्टर ने बोला, अगर मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ मुझे क्षमा करना, मैंने अपने कानों से या अपने आंखों से ये नाम बयान देखा है ना सुना है, इसलिए मैं इस पे मतलब कैसे प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का और सेक्स रेशियो पे बात की जा रही थी कि आजकल
महिलाओं महिला बच्चियां जो पैदा होती है उनको जल्दी मार दिया जाता है, जैसे आपको पता है कि काफी ये था, उसी पे उन्होंने ये बात बोली थी। अब हम जैसे 370 टूटी थी तो उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर की लड़कियों को आप हमारा हमने यहाँ पे बहू बना के लाना है। तो मतलब कि क्या आप समझती हैं कि इस बयान को लेकर किस तरह ये बयान ठीक था या गलत था, किस तरह से आप देखती हैं इसको? अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो जैसे कि हरियाणा में जो ये सेक्स रेशो बड़ी बड़ा गड़बड़ थी इसमें, है ना, वहाँ पे तो लड़कियों का ज्यादा जो भी है कन्या भ्रूण हत्या होती थी। तो पहले 2015 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो हरियाणा करनाल से पता नहीं वहां से शुरुआत की थी। इससे क्यों क्यों की थी हरियाणा से, क्यों की थी पूरे देश में किसी प्रदेश से क्यों नहीं की थी, हमारे जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं की थी? क्योंकि हरियाणा में ये बहुत गड़बड़ थी, इसकी जो भी था बहुत कम थी। तो हो सकता है उन्होंने देखा कि हरियाणा में इतनी लड़कियों की तादाद बहुत कम है, तो कोई ऐसा नहीं हो कि हमारे जम्मू कश्मीर में लड़कियों की तादाद मतलब लड़कियों का जो कन्या भ्रूण हत्या वो कम होती हो तो वहां पे लड़कियों की संख्या विश्व ज्यादा होती। उन्होंने पर्टिकुलर ये कहा था कि कश्मीर से जो है अब बहुएं लाई जाएंगी। मतलब क्या समझती हैं आप कश्मीर की? देखो उस बात पे बहुत बवाल भी मचा था जब उन्होंने ये बात बोली थी। तो मतलब कि आप क्या समझती हैं, आप भाजपा को साइड पर रखे एक महिला होके आप ये बताइए कि क्या ये बयान जो है खट्टर साहब का देने लायक था? ये एक चीज और भी, मैं त्रिशूल जी हमेशा आज नहीं मैं बस सुनती, मैं भी जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता शिविर लगाती हूँ, तो वहां पे क्या होता है मुझे दुख रहता है कई बार मेरी बहस हो जाती है वहां पे, जम्मू कश्मीर की जब बारी होती है ना मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो बोलते हाँ कश्मीर से हमारी बहन, जबकि मैं जम्मू से हूँ। मुझे कभी ना आज तक बोल गया कि जम्मू से बहन हुई, तबकि मैं खुद अपने रिप्रेजेंट खुद देती हूँ। इतनी एक मानसिकता बन गई पूरे मतलब देश में क्या विश्व में, कश्मीर जम्मू कश्मीर को जम्मू नहीं बोलेंगे, जम्मू बिल्कुल साइलेंट वर्ड कर दिया उन्होंने, कश्मीर हमेशा बोलते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे लगता है कोई भी नेता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो सामाजिक, वो हमेशा क्या होता है जम्मू शब्द को साइलेंट करते हैं। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज की, मैंने बहुत इस चीज पे बहस की है कि जम्मू क्यों नहीं बोलते, जबकि मैं खुद जम्मू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो क्या कहते कि है तो पूरे ये बात नहीं होती, है तो पूरा आपका प्रदेश ही है, तो क्या एक मानसिकता उनकी जुबान पे ऐसी चीज बैठ गई है। कश्मीर जो भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बात करें, कोई भी बात हो, ये तो ठीक है आपने जो सुनाया, चाहे ये मुद्दा हो चाहे कोई और हो, तो वो क्या कहते कश्मीर ही बोलते हैं वो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बयान दे, चलो अगर जम्मू या कश्मीर की उन्होंने बात की, ये बयान किसी पर्टिकुलर स्टेट की बच्चियों को इस तरह से कहना क्या समझ? तो उन्होंने कि ये राष्ट्रीय एकता हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर जो प्रदेश है वो बिल्कुल थोड़ा आपको पता ही है कि 370 की वजह से क्या था, बिल्कुल अलग जो भी है, तो अब 370 टूटने के बाद तो 370 टूटने बाद के जाके अब बिल्कुल कोई बीच में फाउंडेशन नहीं रही है जो भी है, जैसे हरियाणा है जैसे जम्मू कश्मीर है, तो अब आराम से मतलब शादियां वादी हो जाएंगी, हो सकता है ये भी इनका नजरिया रहा हो। कल कठुआ का एक वाक्य है, 14 साल की लड़की का किडनैप होता है, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर यूपी बनने के बाद यूपी में तब्दील हो रहा है? नहीं, जो बातें हम टीवी में सुनते थे, जो अखबारों में सुनते थे कि यूपी में ऐसा हो रहा है, यूपी में ऐसा हो रहा है, आज हम वही चीजें अपने यूटी में देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं सिस्टर जी, मैं आपको एक बात बोलूं कि जब बात बच्चों के संबंध में हो किसी महिला को, तब ये यूटी क्या है, प्रदेश क्या है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो किसी बच्ची के साथ जो भी दुर्घटना हुई है वो ये नहीं होता कि यूटी क्या है तो इसके साथ मुझे प्रदेश है तो इसका, ये नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है, यूटी तो अभी 1-1.5 साल ही हुआ, इससे पहले भी तो घटनाएं होती थी। ये क्या होता है कभी कभी हम इस चीज को उसका जोड़ देते हैं, तो हम खुद को या कुछ राजनीतिक चाहे वो अपोजिशन विपक्ष हो या जो भी है वो खुद को ऐसे डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, ये झूठी लगा लेते हैं, जो ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप भी कठुआ से हैं, मैं भी कठुआ से हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कठुआ में ये सुना हो कि लड़की का किडनैप घर से उठा के ले गए हो। कठुआ में तो ऐसी घटना मैंने नहीं सुनी। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं भी आपके माध्यम से सुन रही हूँ, तो अगर जी बाकी अगर क्या आप बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे होंगे, झूठ तो हो नहीं सकता क्योंकि आप मीडिया बंधु के से ज्यादा कौन जान सकता है। ठीक है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्योंकि आपको बता दूं हम लोग पूरा देश घूमते हैं, जब मैं बाकी प्रदेश यूपी हो बिहार हो हरियाणा हो जो भी है वहां पे मतलब
महिलाओं का मतलब इतनी सुरक्षा नहीं मैं देखती हूँ, जबकि हमारे जम्मू कश्मीर बहुत सुरक्षित है। हम लोग हैं 10 बजे भी 11 बजे चले जाते हैं, बिल्कुल सेफ है। इस चीज को आपको भी मानना पड़ेगा, हम मैं महिला को होने के नाते मैं भी इस चीज को मानती हूँ। तो कठुआ में अगर इस टाइप के वाकई होने लगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, मैं सब आपके चैनल के माध्यम से कठुआ के सभी माता पिता को, सभी जनता को ये एक निवेदन कर सकती हूँ कि खुद भी अलर्ट रहिए, बच्चियों को ऐसा एजुकेट करिए कि सेल्फ डिफेंस ये नहीं है कि वहां काटे कूटे करने, मतलब अलर्ट रहो। आजकल का क्यों आपको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से 12-13 साल का बच्चा बहुत सक्रिय है, वो हमारे जमाने के बच्चे नहीं रहे, उनको सब पता है हमारे दाएं बाएं क्या हरकत होने वाली है। तो माता पिता से भी अनुरोध करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा एजुकेट करिए, जब घर से बच्चे जाते हैं तो उनको कुछ समझा के भेजिए, उनको घर में भी ये बातें समझाइए कैसे आपने आपको सुरक्षित रखना है। क्योंकि आपको पता है जो कई बार क्या होता है, ऐसी घटनाएं होती है तो हम प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, या किसी विपक्ष होगा तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी जी रूलिंग पार्टी क्या विपक्ष क्या, बच्ची तो बच्ची होती है ना, वो विपक्षी होगी रूलिंग पार्टी, बच्ची तो बच्ची होती है। अच्छा, उपदेश जी, आपने जो परसों प्रोटेस्ट किया वो तो आपने हुड्डा साहब के खिलाफ किया, कांग्रेस के खिलाफ किया, पर्टिकुलर बीजेपी ने किया, खैर और किसी ने हमने कहीं पे देखा नहीं प्रोटेस्ट हुआ इस मामले में। जब हथरस हुआ था, बलरामपुर हुआ था, उस वक्त भाजपा के लोग, भाजपा की महिलाएं वो कहां थी जो आज एक महिला ट्रैक्टर खींच रही है, अपनी ताकत दिखा रही है तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल बन गया। उस वक्त हथरस और बलरामपुर में महिलाएं बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? बहुत बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, हमने भी टीवी के माध्यम से देखते थे न्यूज वो। देखो कृष्ण जी, क्या होता था वहां पे, क्या था, जो भी केस था ना, वो जो कल्प्रिट था वो उन्हें अरेस्ट कर लिए थे। जब कोई भी कौन था कल्प्रिट, वो जो स्थानीय लड़का जो भी दिखा रहे थे टीवी पे, हथरस का टीवी पे दिखा रहे थे ना, हथरस वाले ना, जो MLA थे इसके बीजेपी के, हथरस नहीं, जो यूपी में कुछ, हाँ हथरस भी यूपी में ही है, हथरस नहीं उससे पहले भी था, नहीं हथरस की भी बात करें ना आप। जी, तो जब कोर्ट में मसला चला जाता है जो भी है, तो फिर प्रदर्शन करने का वो एक वो तुक नहीं बनती। बाकी मैं आपको बता, पूरे हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च हुआ, लोगों ने दिल्ली बॉम्बे, कोई ऐसा फिल्म एक्टर नहीं था जिसने उसके बारे में सपोर्ट नहीं की इस बारे में। फिल्म एक्टर्स की बात हो, वो तो बड़े ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर वो ऐसे प्ले कार्ड लेके खड़ी हो जाती है, पर बड़े ऐसे होते हैं तब वो नहीं होते। जो फिल्म इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं आप, बड़े सारे ऐसे बिल्कुल जिन्हें में कुछ और ही सच्चाई होती है, तो तब वो भी बड़े सिलेक्टिव केसेस में जो फिल्म सेलिब्रिटीज होती हैं वो वहां पे खड़ी होती है। वो आप भी बड़ी भांति जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ठीक है ना। उनपे अगर बात हम ना ही खींचे तो मुझे लगता बेहतर रहेगा, उसको खींचोगे तो शायद शाम बढ़ जाएगी। अभी जो SSR जो भी केस हुआ था 14 जून को, शायद आई थिंक तो 14 जून 2020 में, तो उसके बाद आपने देखा क्या क्या हुआ इंडस्ट्री में, क्या क्या जो भी बाहर हुआ ना, तो ये चीजें आप बहुत सारे, अब कितना खींचोगे आप सब मुद्दों को, ये चीज़। बाकी मैं आपको बता दूं कि देखो, अब अगर आप मेरा जे जो भी साक्षात्कार लेने के भाजपा कार्यकर्ता के, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमें प्रदेश जो हमारी अध्यक्ष जी उनके निर्देश अनुसार, आप भी बड़ी बात जानते हैं, जब कोई भी राजनीतिक दल होता है तो वो जो उसके कार्यकर्ता है ना, उसके एक दायरा होता है, तो जो कुछ बयानबाजी होती है तो ठीक है जी, लोगों को छोटे मुद्दे, बट जो बड़े होते हैं जो हमारे हाई नेतृत्व होता है वहां पे क्या, वही इन पे जो प्रतिक्रिया अपनी प्रकट करते हैं मीडिया मंत्रियों के सामने, तो हमारा भी प्रदेश नेतृत्व, जब प्रदेश नेतृत्व जब वो केंद्र नेतृत्व होता है, मतलब मैं आपकी बात ही मैं करूंगा कि आपने भी ये माना है कि जम्मू कश्मीर जो है सबसे सेफ है और यूपी में इतनी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी की बात नहीं, देखो नहीं, मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित की बात मैं, देखो सुरक्षित, देखो एक वातावरण होता है, वातावरण ये नहीं है फिर जब से जो गया वो वातावरण खराब हो गया, वातावरण तो जब वो प्रदेश है जब उससे पहले भी तो वातावरण खराब था, ये बात नहीं। देखो ये चीज है, जब महिलाओं से बात होती है ये नहीं, ये चीज छोड़ो, ये जहां पर वातावरण खराब है ना, जो यूपी हो गई, बिहार हो गया, ठीक है ना, वो मतलब कितने सालों से हम देख रहे हैं, ये भाजपा सरकार तो अब आई है, पहली बार मैं देख रही हूँ अपनी जिंदगी में, जो भी कल्याण सिंह जी थे जो भी है,
जी नहीं, जहाँ की जो परिस्थितियां जैसी होती हैं वो कोई भी दल आए जाए, हाँ थोड़ा फर्क पड़ता है, प्रशासन की फिर थोड़ी सख्ती होती है तो फर्क पड़ता ही है ये चीजें का। अब मैं एक पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, 803 रेप, 729 मर्डर पिछले 2 महीने में यूपी में हुए हैं। तो देखो, ये बात नहीं, आपने ये बात मानी है कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पे महिला सुरक्षित है, हम चाहे रात, आप भी रात को 11-12 बजे अपने घर जाती हैं, आपको कोई डर नहीं होता, पर आपने ये वाली बात भी मानी है। पर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास तो है, वो इसलिए है कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता, पर वहां पे आपने खुद माना कि वहां पे ऐसी मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पे डर लगता है महिलाओं को बाहर निकलने में, क्योंकि वातावरण वहां का वैसा ही है। देखो यूपी का और जम्मू कश्मीर का बहुत फर्क है, देखो ना उसका पीछे से पूरा 50 साल से उठाओ ना उसका इतिहास, 50 साल से उठाओ उसका इतिहास, मतलब कि इतिहास क्या उठाए उसका मतलब? नहीं नहीं नहीं, जो मतलब सिचुएशन होती है वो उठाओ ना, तो ये नहीं बोल सकते आप क्या, हाँ जोगी जो है 5 साल से जो भी है तो नहीं, नहीं, हम नहीं कह रहे, हमने तो उनका नाम भी नहीं लिया, हम एक आपको मैं वो रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जो मतलब कि हिंदुस्तान। देखो तेजस्व जी मैं एक बात बताऊँ जी, एज ए कोई राजनीतिक दल से मैं संबंध रखती हूँ जो कार्यकर्ता, वो चीज एक साइड पे, सबसे पहले मैं एक महिला हूँ, किसी भी महिला चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी भी समाज वर्ग से हो, किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र से, उसके साथ गलत होगा तो वो गलत है, बहुत गलत है, बहुत इस चीज को वो बहुत ज्यादा गलत है। पर जब भाजपा के लोग या भाजपा के MLA, भाजपा के नेता जब उनमें फंसते हैं तो महिलाएं कहाँ होती हैं उस वक्त? वो वहां की महिलाओं से पूछो जो स्थानीय महिला है। नहीं अब देखो हरियाणा में हुआ था, हरियाणा वालों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, आपने कठुआ में किया। नहीं नहीं मैंने बोला ना, जैसे हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा तब वो तो हम करेंगे, तो उस वक्त उनको नहीं दिखता कि पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होना चाहिए इसके लिए, तो तब आपने क्यों नहीं आए, वो आना चाहिए था ना। अब मामला एक ऐसा सामने आया ना कि हमने कहा कि हमारी स्टेट की जनरल सेक्रेटरी और हमारे कठुआ की महिला है जो कि क्या कहते हैं इसको, महिला की हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की जाए इस मामले में, क्योंकि आपको हमने देखा है, आपने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है, आपने कई सेंटर चलाए हैं, आपने कई महिलाओं को रोजगार दिया है, कई महिलाओं को आपने सशक्त किया हुआ है और उनको इंडिपेंडेंट किया हुआ है कि वो अपना काम कर सके। मैंने हमेशा आपको मतलब कि हर, आपने अपने गांव में NGO खोली थी, बड़ाला में आपने बड़े मतलब ऐसे काम किए हुए, पर बात यह है कि जब भाजपा के लोग कहीं पे ऐसे मसलों में फंसते हैं, जैसे मैंने हाथरस की बात की, वहां पे आपने कोई जवाब नहीं दिया कि वहां पे क्योंकि MLA के भाजपा MLA के नेता थे तो वहां उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला, तो मेरा कहने का यह मतलब है क्यों ऐसा क्यों? अगर आप महिलाएं हैं तो महिलाएं पूरे हिंदुस्तान की, आज उस वक्त जो है हर महिला को जो है ये बात उठानी चाहिए, क्या समझती हैं आप? देखो किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ जब कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसे अत्याचार होता है, चाहे उसमें MLA चाहे भाजपा का हो किसी अन्य पार्टी का हो, बिल्कुल उसको सजा, उसको बख्शनी चाहिए, ये बात गलत है। भाजपा के विधायकों को ये सर्टिफाई नहीं किया कि आप कुछ भी करो, जिंदा जला देते हैं लड़कियों को, जिंदा जला देते हैं कुछ मत, जो भी देखो जो भी चीज गलत है ना, ये थोड़ी है कि भाजपा का MLA अगर बुरी नजर, नहीं नहीं भाजपा का MLA हो या किसी अन्य पार्टी का हो, अगर वो किसी भी महिला से या बच्ची से बुरी नजर डालता है तो उसकी, उसका जो क्राइम है जो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय। अलर्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जी मैसेज देना चाहती है, जैसे आपने 2-3 बातें उठाई कि जैसे कठुआ का 2-3 दिन पहले हुआ जो भी है जमल, मैं सभी माता पिता से एक बार पुनः जी निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि अब वो पहले वाला जमाना अपने बच्चों से, अपने बच्चों से खुल के हर विषय पर खुल के बात करिए, उनको अलर्ट कीजिए, उनको हर इशू के ऊपर मतलब एजुकेट करिए, उनको शिक्षित करिए कि जब घर से निकलते हैं तो कैसे मतलब चुकन्ना होकर निकलना, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां, चाहे आप तो जानते हो कि चाहे पहले जो 20 साल की महिला होती है तो
तो आज की 10 साल की बच्ची जो होती है तो वो उतना नॉलेज उसको हो गया होता है, तो उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को अपने नजरियों को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा जो समाज है हमारे परिवार वो स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसी से होगा महिला सशक्तिकरण। क्यों कैसे होता है महिला सशक्तिकरण, जब हर नारी उसकी मानसिकता उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगी, उसके वातावरण चारों तरफ जो वातावरण होगा वो बिल्कुल सुरक्षित मिले उसको, तभी वो खुद को सुरक्षित महसूस करे, तभी वो हमारा समाज वो हेल्दी समाज बनेगा। यही संदेश देना चाहती हूँ, अलर्ट रहिए, अलर्ट इन न्यूज, मैं भी कहती हूँ सारा समाज अलर्ट रहिए। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ उपदेश अंडोत्रा जी, जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी है महिला मोर्चा भाजपा की जम्मू कश्मीर से। तो हमने इनसे सवाल जवाब किए और इनका यही कहना, जब हमने भाजपा के नेताओं के ऊपर कोई ऐसी बात पूछनी चाहिए तो ये बचते हुए नजर आए, पर इनका ये कहना है हर माता पिता को कि अलर्ट रहिए और बच्चों को भी अलर्ट कीजिए और बच्चों के साथ घुल मिल के रहिए, ऐसे लोगों के साथ आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।